नमस्कार। माता भगवती प्राकृतिक आहार केंद्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज रसाहार प्रशिक्षण की अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे नारियल का दूध कैसे बनाना है। और ये आप देख रहे हैं नारियल है, और नारियल की प्रकृति शीत होती है, बालों के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो हमें शक्ति देता है। तो कमज़ोर व्यक्ति को भी नारियल पीने से अच्छा रहता है, लेकिन जिसकी कफ प्रकृति है उसको अपना ध्यान दे करके लेना चाहिए, क्योंकि अभी ठंड है, ठंड में आप लेंगे तो कफ बढ़ाता है, और ये पित्त शामक है तो पित्त को कम करता है, इसलिए बहुत ही अच्छा है। एसिडिटी, ज्वलन, जो छाती में ज्वलन होती है इसके लिए भी अच्छा है। तो ये नारियल में से हम छिलके सारे उतार देते हैं और ऐसा छोटा छोटा पीस उसका कर देते हैं, और फिर उसमें ये मिक्सी में डाल करके उसमें पानी मिलाएंगे और इलायची मिलाएंगे। तो इलायची भी शीत है प्रकृति में, और वो सुगंध देती है और हमारे शरीर में गुणकारी है, इसीलिए कि वो तेजाना उसमें मरी मसाला जैसे हम कहते हैं, ऐसे इलायची उसी में आती है, और वो हमारी भूख बढ़ाती है और पाचन भी अच्छे से कर देती है। तो इसमें हम थोड़ा चीनी या मिश्री मिला सकते हैं। चीनी अगर नहीं मिलानी है तो इसमें आप थोड़ा सा मिश्री, और बिना उसका भी अच्छा ही लगता है, लेकिन नारियल जो है दो प्रकार के आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक बहुत मीठा होता है मोहिनी करके जो आता है वो, और दूसरा एक सामान्य होता है, तो वो ज़्यादा मीठा नहीं होता है, तो उसमें फिर हमें मिश्री या चीनी मिलाना होता है। बाकी तो आप वैसे भी सीधा पानी मिलाकर उसमें थोड़ा सा इलायची मिला करके पीस लो और छान के पी सकते हैं। आइए देखते हैं। दीदी एक प्रश्न है, हमारे दर्शक भी पूछना चाह रहे हैं, पता कैसे चलेगा कि किस तरह का कैसा हमारे पास श्रीफल है, नारियल है? ज़्यादातर तो नॉर्मल ही मिलता है। हाँ। ये साउथ में होता है इसीलिए वहाँ स्पेशल प्रकार का मिलता है, बाकी यहाँ तो ये सामान्य प्रकार का ही आता है। तो क्या यह भी सभी वर्ग के लिए लाभकारी है? हाँ, सभी के लिए लाभकारी है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जिसको कफ ज़्यादा रहता है वो अभी ना पिए, क्योंकि उससे खांसी भी होती है और कफ बढ़ता है, तो अपनी तासीर अपनी प्रकृति को देख के लेना चाहिए। दीदी एक बार विधि फिर से बता दीजिए, क्या क्या डाला हमने इसमें? इसमें नारियल को पीस कर, मतलब छिलके उतार के काट लिया है छोटा छोटा पीस, और उसको बहुत छोटा छोटा पीस ही करना है, क्योंकि बड़ा पीस होगा तो वो अच्छे से पीसेगा नहीं, क्योंकि हार्ड होता है थोड़ा, तो एकदम छोटा छोटा बारीक पीस करना है, और फिर उसमें पानी मिलाना है। पानी इतना मिलाओ आप कि जो भी आपका इंग्रेडिएंट्स है, आपका जो मैटर है, वो पूरा डूब जाए पानी में। जैसे एक गिलास पानी, मतलब एक गिलास आपको करना है, एक नारियल में से कम एक या डेढ़ गिलास दूध बनता है, तो उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिए, और मिश्री या चीनी जो डालनी है वो अपने स्वाद के अनुसार डालिए। किसी को डायबिटीज़ है तो नहीं भी डाल सकते हैं, तो ये है। और इलायची तो हम आधे से एक पीस के मिला सकते हैं उसमें। और ये आप अंत तक देखते रहिए, इसमें कुछ ट्रिक्स भी है वो भी हम दिखाएंगे। तो दीदी सभी इंतजार में हैं कि आप जो बोल रहे थे इसकी ट्रिक क्या है, इसकी क्योंकि सभी लोग पीसते हैं तो पीसता नहीं है पूरे से, और ठंडियों में थोड़ा सा दिक्कत भी होती है। हाँ, ये तो सही बात है, सभी उतावले हैं कि क्या वो ट्रिक है, सभी जानना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये बार बार आप देख रहे थे बंद चालू बंद कर रहे थे, वो इसीलिए कि वो अच्छे से पीस जाए, और इसमें जो टुकड़े अगर आपने बड़े बड़े कर दिए तो भी वो नहीं, आधा पीसेगा आधा नहीं पीसेगा, तो पहले से बारीक टुकड़े करने हैं, उसकी ट्रिक्स यही है। और बार बार वो कर करके उसको अच्छे से लंबे समय तक पीसना है, और उसके बाद
ये जो ठंड में है ना तो जम जाता है, इसमें तेल भी होता है, ऑयली ये है, तो उसका जो तेल है उसको नारियल तेल कोपरेल बोलते हैं, तो वो तेल आप बालों में भी लगा सकते हैं और पूरे शरीर में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ऑयल हमें पीसने में दिक्कत करता है और कभी कभी वो नहीं पीसता है इसी वजह से। तो इसमें थोड़ा सा कुनकुना गर्म पानी हम डालते हैं ठंड में, गर्मियों में तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ठंड में आप अगर बनाते हैं तो आपको लगता है बहुत सरल है, लेकिन बनेगा नहीं घर में, और इसीलिए आपको थोड़ा कुनकुना पानी लेना है और तब आपका जाके अच्छे से बन जाएगा। आइए अब हम उसको छानते हैं और देखते हैं दूध कैसा बना है। आप देख भी सकते हैं, देखिए कितना महीन पीस गया है, आप देख सकते हैं, देखिए अभी इसको छानते हैं तो और भी पता चल जाएगा। छान लीजिए, दीदी एक प्रश्न है कि जब ये बच जाता है तो इसका हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ये भी तो निकाल लिया है, लेकिन है ना इसका भी कोई सदुपयोग हो सकता है कि इसको फिर फेंक दिया जाता है? नहीं फेंका, हम कुछ भी चीज़ें फेंकते नहीं हैं। अब देखिए घृत कुमारी का हमने बताया कि उसके छिलके को हम बालों में लगा सकते हैं, स्किन पे लगा सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं और सुखा के उसका पाउडर भी बना सकते हैं। ऐसे ये जो है इसका तो हम बहुत अच्छी मिठाई बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं। ये जो कुछ ये जो पीछे का जो निकला छना हुआ उसमें उसको हम घी में थोड़ा भून लेते हैं और फिर उसमें मिश्री या चीनी या गुड़ जो भी आपको मिलाना है उस हिसाब से मिला करके लड्डू बना देते हैं, तो बहुत अच्छा लड्डू बन जाता है। और कभी कभी उसको चटनी में भी डाल सकते हैं, जैसे धनिया मिर्च की आप चटनी बना रहे हैं और ये आपका है गुदा बचा हुआ, हाँ। तो उसमें डाल करके पीस के बहुत ही अच्छी चटनी बनती है, जैसे डोसा के साथ हाँ, दे सकते हैं। हाँ ऐसे भी आप बना सकते हैं आसानी से, जूस का जूस भी बन जाए और चटनी भी बन जाए, चटनी भी बन जाए और लड्डू भी आप बना सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया। आइए फिर हम देखते हैं अगली कड़ी में दूसरा रसाहार, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।